नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कार की एपरेंट डैमेज के ऊपर। तो अगर जिनको पता है कि एपरेंट डैमेज क्या होता है तो वो समझ सकते हैं कि वो कितना कार के लिए एक नुकसानदेह चीज़ होती है, और जिनको नहीं पता है तो उनको भी आज की वीडियो में बताऊंगा कि एपरेंट डैमेज क्या होता है, कैसे आप उससे बच सकते हैं, अपनी कार को बचा सकते हैं, और अगर कभी हो जाए तो आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा आपके साथ, जो कि सारा रिलेटेड होगा कार के एपरेंट के डैमेज के ऊपर, कि आपको उसको चेंज करना चाहिए या उसको रिपेयर कराना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो में इस बैटरी को निकाल लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, इतना सब कंटिन्यू नहीं करता वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बैटरी निकालनी है ना, बैटरी की जो ट्रे है ये निकाल लेनी है, साथ में जो एसी की लाइन्स है ना इस पर अटैच रहती है, तो एसी की लाइन्स को घीस देती चलती है तो उसमें बैटरी हिलती है इधर उधर, तो ऐसे में जो एसी की लाइन्स होती है ना उनको घीस देती है। तो इसके पीछे जो लॉक थे मैंने हटा दिया, एक वीडियो डाली आप देख सकते हैं, तो इसमें भी आप थोड़ी बहुत रस्टिंग देख रहे होंगे, ये बैटरी का जो एसिड है उससे हुआ है, इससे जो पहली वाली बैटरी थी। तो ये भी ट्रे भी मैं निकाल लेता हूँ, और उसके पीछे जो चारकोल कैनिस्टर होता है इसको भी मैं निकाल लेना, इसमें स्लॉट्स बने होते हैं इस तरीके के, ये इसी पर अटैच रहता है, तो ये भी हमको निकाल लेना। ये निकालने के बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि जो कार की एप्रेन है वहाँ पर ये बैटरी का जो अंदर का पानी होता है, बैटरी वाटर होता है, वो कितना जो कार की एप्रेन होती है, कोई भी मेटल उसके कॉन्टैक्ट में आता है उसको कितना डैमेज करते हैं। लॉन्ग टाइम तक अगर किसी बैटरी से इस तरह का जो बैटरी वाटर है वो लीक होता रहता है जिन बैटरीज से, तो वो जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ वहाँ डैमेज करता है, और धीरे धीरे ना उस मेटल को खा जाता है, और मेटल वहाँ से कमज़ोर हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है ना वहाँ पर या तो वो चीज़ ब्रेक हो जाती है या फिर वो धीरे धीरे टूटने लग जाता है। तो इस गाड़ी में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो एप्रेन से रिलेटेड आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो इसमें इस तरीके की वेल्डिंग हुई है ये मैंने क्यों कराई है, और मतलब मैं ये वेल्डिंग चाहता तो इसको चेंज भी करा सकता था लेकिन मैंने चेंज क्यों नहीं कराया, तो यही सब मैं आपके आज की वीडियो में आपके साथ शेयर। उससे पहले आप देख लीजिए जो एप्रेन है इसमें जो डैमेज था ये किस तरीके से था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें इस तरीके का एक डैमेज है। उसके बाद जो दूसरा वाला जो पार्ट है इसका, इसमें आप देखेंगे कि इसमें मैंने वेल्ड कराया हुआ है, पहले वेल्डिंग कराई है, बाहर से एक पत्ती एक्स्ट्रा लगवाई है, काफ़ी मोटी पत्ती लगा के उसको दोबारा से वेल्ड कराया ज़्यादा मजबूती के लिए। और जो तीसरे वाला पार्ट है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक ब्लैक कलर की एक पेंट टाइप का आप देख पा रहे होंगे, लेकिन वो पेंट नहीं है, वो रबर सीलेंट है जो कि स्ट्रांगली ऐड हो जाएगा वहाँ पर, उसके बाहर से मैं पेंट करूँगा जिससे उस पर कोई रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, जो एप्रेन है इसमें जो डैमेज था ये किस तरीके से था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें इस तरीके का एक डैमेज है। उसके बाद जो दूसरा वाला जो पार्ट है इसका, इसमें आप देखेंगे कि इसमें मैंने वेल्ड कराया हुआ है, पहले वेल्डिंग कराई है, बाहर से एक पत्ती एक्स्ट्रा लगवाई है, काफ़ी मोटी पत्ती लगा के उसको दोबारा से वेल्ड कराया ज़्यादा मजबूती के लिए। और जो तीसरे वाला पार्ट है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक ब्लैक कलर की एक पेंट टाइप का आप देख पा रहे होंगे, लेकिन वो पेंट नहीं है, वो रबर सीलेंट है जो कि स्ट्रांगली ऐड हो जाएगा वहाँ पर, उसके बाहर से मैं पेंट करूँगा जिससे उस पर कोई रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, कि आप जहाँ जहाँ देख पा रहे होंगे इसमें इस तरीके की जो वेल्डिंग हुई है, अब इस वेल्डिंग तो हमने करवा ली, लेकिन वेल्डिंग कराने के बाद क्या होता है ना, वेल्डिंग कराने के बाद उस जगह पर पेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन नहीं तो वेल्डिंग का फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पर रस्टिंग और ज़्यादा होगी, और फिर जो मेटल सरफेस है जितना भी एरिया जहाँ पर वेल्ड हुआ है वहाँ से पेंट रिमूव हो जाता है, वहाँ पर बहुत जल्दी जंक लगने लग जाता है, तो उसके लिए हमें वहाँ पर जल्दी से पेंट कर देना चाहिए। और आप जो यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक चीज़ देख रहे हैं ये होती है रबर सीलेंट, और साथ ही जितना भी आप यहाँ पर ये कोरिजन देख रहे हैं ये सब हुआ इससे जो पहले वाली बैटरी थी उससे गिरे हुए एसिड की वजह से। तो धीरे धीरे ना वो अगर ज़्यादा टाइम तक उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो बैठ जाती है गाड़ी की बॉडी के साथ और वहाँ वहाँ पर डैमेज कर देती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सबको रिमूव कर लूँगा किसी अच्छे सैंड पेपर से, साथ सारा घीस लूँगा और साथ ही उसमें मैं अच्छे से सैंडिंग कर लूँगा। तो अब मैं आपको पॉसिबल रीजंस बता देता हूँ कि जो एप्रेन जो डैमेज होती है वो किस वजह से होती है। तो सबसे पहले आप इसमें देख पा रहे होंगे जो मैंने लिखा है यहाँ पर फ्रंटल इंपैक्ट, देखिए अगर गाड़ी कभी आगे से लगती है, ठीक है, दूसरी चीज़ है बैट सॉकर्स, और तीसरी चीज़ है टायर प्रेशर अंडर और ओवर इन्फ्लेशन, फिर आ जाती है जो बैटरी लीकेज, और फिर बैट टायर, फिर रोड कंडीशन, स्पॉट होल्स, ड्राइविंग हैबिट्स, और फिर साथ में आ जाता है ओवरलोड। कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ तो आप बता दीजिए। और साथ ही जो आप ये क्रॉस मेंबर देख रहे हैं ना, तो ये क्रॉस मेंबर भी कई गाड़ियों का डैमेज रहता है, तो लोग क्या करते हैं इस, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा लोड होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, कोशिश करते हैं कि उसको भी वेल्डिंग करा करा के चलाएं, लेकिन ये क्या होता है ना, अगर मेटल इसका कमज़ोर हो गया तो जितने एरिया पे आप वेल्डिंग करा रहे हैं उतना तो चल जाएगा, लेकिन फिर लोड पड़ेगा तो दूसरी जगह से टूटेगा। तो अगर कभी आपकी गाड़ी क्रॉस मेंबर में कोई डैमेज है तो उसको तो चेंज करा ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेबलाइजर, जो ब्रैकेट होता है सारे इससे कनेक्टेड रहते हैं, और जो स्टेबलाइजर जो रॉड होती है वो भी इसी से कनेक्टेड रहती है, उसकी वजह से सारा लोड इस पर पड़े रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर गाड़ी की बॉडी के साथ अटैच होती है, तो इसको आप जब भी मौका मिले अगर आपकी गाड़ी में टूटा हुआ है तो इसको चेंज करा लीजिए। अब एक एक करके बात करते हैं कि जो एप्रेन है ना वो डैमेज क्यों होती है। तो सबसे पहले था जो फ्रंटल इंपैक्ट, अगर गाड़ी कभी आपकी आगे से लगती है, थोड़ा बहुत लगे जो भी लगे, और उसमें डैमेज आता है, और उस वक्त पर उस
को ध्यान नहीं दिया जाता या फिर अंदर की तरफ ध्यान नहीं जाता, बाहर बाहर से उसका काम कर लिया जाता है और अंदर उसमें कोई क्रैक है तो वो क्रैक क्या होता है ना, धीरे धीरे फैलता है। और क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड होता है, सस्पेंशन का सारा लोड उसी में होता है, क्रॉस मेंबर के पास जो आप स्टेबलाइजर जो रॉड देख रहे हैं उसका जो ब्रैकेट होता है उसका लोड उसी में होता है क्योंकि वो भी उसमें अटैच होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो लोड बढ़ते जाता है और धीरे धीरे जो क्रैक होता है, गाड़ी कभी गड्ढों में जाती है तो क्रैक और ज़्यादा फैलते जाता है, तो फिर वो डैमेज बड़ा हो जाता है। तो उससे अवॉइड करने के लिए अगर कभी ऐसा फ्रंटल इंपैक्ट आपकी गाड़ी में पड़ा हो तो पूरा ध्यान दीजिए उस पर, और जहाँ जहाँ उसमें क्रैक या डैमेज है उसको आप उसी वक्त सही कराइए या फिर एप्रन का काम कराइए। दूसरी चीज़ आ जाती है सस्पेंशन। अगर आपकी गाड़ी के सस्पेंशन जो है ना ख़राब कंडीशन में है या सस्पेंशन बेकार है तो वो भी आपकी गाड़ी को एप्रन को डैमेज करते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए जितना भी गाड़ी का जो लोड होता है ना, जो सॉक्स होते हैं, झटके होते हैं, वो सब सस्पेंशन ही झेलते हैं, ठीक है। अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर वो लोड आएगा वो तो करेंगे नहीं अपना काम, तो लोड सारा आ जाएगा गाड़ी के एप्रन पर। तो यहाँ पर जो सॉकर माउंट होते हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा क्रैक आने के चांसेस रहते हैं। बम्प्स में जब गाड़ी ज़्यादा जाती है, ख़राब रास्तों पर चलती है, झटके ज़्यादा लगते हैं तो वहाँ पर भी एप्रन बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज होती है और अपने टाइम से पहले ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि कभी भी सस्पेंशन अगर आपका ख़राब हो तो उसको चेंज करिए या उसको रिपेयर कराइए, जो आप कराना चाहते हैं वो कराइए, लेकिन उसको जल्दी कराइए। उस ख़राब सस्पेंशन के साथ गाड़ी चलाना मतलब आप अपनी गाड़ी की जो एप्रन है ना उसको नुकसान पहुंचा रहे। तीसरी चीज़ आ जाती है टायर का प्रेशर। देखिए टायर का प्रेशर ओवर इन्फ्लेटेड होगा और अंडर इन्फ्लेटेड होगा ना, टायर को तो नुकसान पहुँचाएगा, टायर अनइवन घिसेगा आपका, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, वो जो आपकी गाड़ी की जो बॉडी है ना उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी का टायर ओवर इन्फ्लेटेड है, ठीक है, तो किसी गड्ढों में जाएगा तो काफ़ी बम्पी राइड होगी उससे, ठीक है। तो जितना भी उसका इफेक्ट होगा तो वो सस्पेंशन पे जाएगा, तो वो मतलब डबल इफेक्ट करेगा, ठीक है, वहाँ पर, क्योंकि सस्पेंशन बने होते हैं एक लिमिटेड मतलब झटका झेलने के लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अगर ओवर इन्फ्लेटेड टायर चल रहा होगा तो वो तो और ज़्यादा उसको झटका देगा। तो सारा जो जितना भी झटका होता है ना, सस्पेंशन तो एब्जॉर्ब करेगा लेकिन साथ ही साथ वो जाएगा गाड़ी की जो बॉडी होती है उस पर भी, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना। उसके बाद आ जाता है बैटरी का लीकेज, जैसे मैंने आपको बोला, जो कि सर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है अगर आपकी गाड़ी में, अब तो खैर बैटरियाँ वैसी नहीं आती, अगर आपकी गाड़ी में कभी बैटरी लीकेज हुआ हो तो उस चीज़ को आप ध्यान देते हुए जहाँ जहाँ वो बैटरी लीकेज हुआ उस पे जितना भी कोरिजन या रस्टिंग हुई उसको आप साफ़ करें, उस पर पेंट करें, उसको रहने ना दें, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना, वो गाड़ी की जो बॉडी होती है ना उसको गलाना स्टार्ट कर देता है और फिर उसमें थोड़ा बहुत मेटल कमज़ोर हो जाए ना, फिर जरा भी थोड़ा बहुत भी उसमें क्रैक आए, कोई झटका है, वो झेलने लायक ही नहीं रहता, फिर आपको एप्रन का काम कराना पड़ता है। तो इस चीज़ पर आप हमेशा ध्यान दीजिए। उसके बाद आ जाती है बैड टायर्स। देखिए बैड टायर से मेरा मतलब है रबड़ चले टायर। आपने बहुत से बार गाड़ियों में नोटिस करा हुआ, मैंने भी करा है, कारों में तक रबड़ चले टायर लगा देते हैं। उनमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो इतना एक्यूरेटली नहीं आ पाता जितना कि कार के लिए बना हुआ होता है। तो वही सेम जो गलत टायर लगाने वाला ओवर इन्फ्लेशन वाला सीन यहाँ भी आ जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो सॉकर माउंट्स है वहाँ झटका पड़ेगा, वहाँ क्रैक आने लग जाएंगे। तो मैंने बहुत सी गाड़ियों में देखा है रबड़ चले टायर वो लगा देते हैं, लेकिन इस तरीके के टायर आपको लगाने नहीं चाहिए, अवॉइड कीजिए। हो सके नए टायर लगाइए, जितना भी होता है काफ़ी चल जाते हैं एक बार टायर, तो इस चीज को भी आप अवॉइड कीजिए, मतलब जो रबर चले टायर होते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आ जाते हैं रोड कंडीशन और पॉट होल। डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कहाँ ज्यादा चल रही है। अगर आपकी गाड़ी ऐसी जगह चलती है जहाँ गड्ढे ज्यादा हैं, खराब सड़कें हैं, तो वहां पर भी देखिए, ये कोई लैडर फ्रेम चेचिस तो है नहीं जो कि सारे गड्ढे या झटके झेल जाएगा, ये तो मोनोकॉक होता है ना, तो उतना लैडर फ्रेम जितना मजबूत तो होता नहीं, बट अपने लायक का मजबूत होता है, बट फिर भी ये नहीं होता कि ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी कुदाई जाए बार बार। तो वहां पर भी अगर रोडें खराब हैं तो सारा तो गाड़ी की बॉडी को ही झेलना है ना, एप्रन पे ही पड़ता है सारा। तो क्या होता है, वहां पर भी जो एप्रन है ना वो टाइम से पहले उसमें क्रैक्स आ जाता है, और क्रैक अगर एक बार आ गया तो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो उसके लिए सजेस्ट करता हूं कि अपनी गाड़ी में हमेशा ध्यान दीजिए, अगर आप गड्ढे वाली सड़कों में चलते हैं तो सॉकर्स पे ही नहीं और चीज़ों पे गाड़ी की बॉडी पर भी आपको ध्यान देना जरूरी होता है, ठीक है। यहां पर उसके बाद जो चीज आ जाती है आपकी ड्राइविंग हैबिट। देखिए ड्राइविंग हैबिट यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कई लोगों की आदत होती है गड्ढे कुदाना, अनाप शनाप गाड़ी चलाना। तो क्या होता है, जब तक गाड़ी नहीं है तब तक तो चल रही है, मस्त करके चलेगी, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी और अगर गाड़ी में अगर थोड़ा बहुत कहीं किसी गड्ढे से या किसी वजह से उसमें कोई क्रैक या कुछ इस तरीके की चीज़ें आ गई होंगी ना, तो फिर आगे जाके वो परेशान करना स्टार्ट कर देगी। आपके पास गाड़ी रहेगी, आपको परेशान करेगी, आगे किसी पर जाएगी उसको परेशान करेगी। तो जो भी है, खुद उस परेशानी से बचने के लिए या किसी और को बचाने के लिए अपनी ड्राइविंग हैबिट्स पर ध्यान दीजिए। गाड़ी अच्छे से चलाइए, गड्ढे कम कुदाइए, टायर प्रेशर मेंटेन रखिए, और भी जितने सारे तरीके होते हैं ना उन सबको आप हमेशा ध्यान रखकर ही गाड़ी को चलाइए, ठीक हो गया ना। इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो हो जाती है ओवरलोडिंग। देखिए यहाँ पर कार की अगर हम बात करें तो ओवरलोडिंग नहीं होती उतनी, बट स्टिल जो गाड़ियाँ कॉमर्शियली चल रही हैं, ठीक है, उनमें अगर ओवरलोडिंग हो रही है
साथ ही ओवरलोडिंग के साथ साथ ख़राब सड़कों पे चल रही है, ड्राइविंग हैबिट्स ख़राब हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल करना जो एप्रिन होती ना उसको, एप्रिन क्या पूरी कार की जो बॉडी होती है जहाँ जहाँ सॉकर माउंट होते हैं, जो जिस जिस चीज़ पे भी जो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है गड्ढों पे जाने पे या गाड़ी चलने पर, तो वहाँ वहाँ पर डैमेज होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एप्रिन की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी एप्रिन डैमेज के लिए किसी हद तक जिम्मेदार होती है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन कभी आपके साथ आए, आपको अपनी गाड़ी में भी यही काम कराना हो या आपकी गाड़ी की एप्रिन डैमेज हो और आपको नज़र आ जाए, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उसको रिप्लेस कराना चाहिए, नई एप्रिन लगानी चाहिए या फिर सेम उसी एप्रिन को वेल्ड कराना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नई एप्रिन लगाना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और साथ ही अगर आप नई एप्रिन लगाते भी हैं तो उसके बाद बहुत चांसेस रहते हैं कि आपकी जो गाड़ी का अलाइनमेंट है वो आउट हो जाए और उसको फिक्स करने में बहुत ज़्यादा टफ हो जाए। तब तक वो फिक्स नहीं होगा जब तक उसको प्रॉपर टूल्स के साथ अलाइन ना किया जाए, फिर भी उसके फिक्स होने के चांसेस कम ही होते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वैसे हो जाते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होते, बट फिर हो जाते हैं, ठीक है। बट वही है कि आप किसी अच्छे जगह उस काम को कराएं तो ही बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ आती है कि उसको रिपेयर कराएं, जो आपकी गाड़ी की एप्रिन है जिसमें डैमेज है उसको आप रिपेयर कराएं। तो रिपेयर कराने में आपको क्या होगा, देखिए सबसे पहले चीज़ आप ये देख लीजिए कि वो कितनी डैमेज है, अगर उसमें क्रैक्स हैं, देखिए क्रैक्स होना मतलब एप्रिन आपको ये नहीं कि बेकार हो गई, आप उसको रिपेयर करा सकते हैं, स्टिल वो काम में आ सकती, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो करती है कि उसमें हद से ज़्यादा रस्टिंग ना हो, हद से ज़्यादा डैमेज ना हो और हद से ज़्यादा क्रैक्स ना हो, और उसका जो मेन चीज़ होता है उसका जो मेटल है, मेटल कितना मजबूत रहेगी। अगर उसमें बहुत ज़्यादा रस्टिंग है, मेटल ख़राब हो गया तो उसको आप मत कराइए, वो गड्ढे झेल ही नहीं पाएगा, वो कहीं ना कहीं एक तरफ से आप उसमें वेल्डिंग कराएंगे वो दूसरी तरफ से टूटेगा। तो इसी तरीके से होगा, अगर आप नया लगाएं वो तो महंगा पड़ेगा, लेकिन वेल्डिंग करा के सस्ते में पड़ जाएगा, लेकिन वही चीज़ है कि आप किस तरीके से उसको उसमें काम करा रहे, अगर वो कराने लायक है तो ही उसको कराइए, अदरवाइज मत कराइए। अगर उसमें आपको लगता है कि उतना बचा हुआ है मटेरियल कि वो दोबारा से वेल्डिंग झेल जाए तो उसको वेल्डिंग आप करा सकते हैं, अच्छा खासा चला सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देने वाली चीज़ें ये होती हैं कि आप उसको पहले की तरह कुदा नहीं सकते हैं, आपको गड्ढे थोड़ा ध्यान से चलाने होते हैं, आपको लोड का ध्यान रखना होता है, आपको टायर प्रेशर का ध्यान रखना होता है, कई चीज़ों का उसको ध्यान रखना होता है। मेन चीज़ उसमें भी है अलाइनमेंट, ज़रूर आउट होता है गाड़ी का, क्योंकि एक बार जब एप्रिन डैमेज होती है ना तो जो आपकी जगह जिस साइड की जो एप्रिन डैमेज होती है ना उस साइड का जो टायर होता है ना वो थोड़ा बहुत आगे पीछे पक्का जाता है। अगर आपको अपनी गाड़ी का टायर कभी आगे पीछे अपनी जगह से हटा हुआ दिखे ना तो आप समझ जाइए कि आपकी गाड़ी की जो एप्रिन है वहाँ कोई डैमेज है, या फिर जो स्टेबलाइजर माउंट्स है वहाँ के आसपास कोई डैमेज है, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए जल्दी से उस चीज़ को चेक करना है और अपनी गाड़ी का रिपेयर कराना है जितनी जल्दी हो सके। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ ना, देखिए जितना यहाँ मैंने वेल्डिंग कराई, ठीक है, पत्ती भी लगाई, अब मैं उसमें क्या करूँगा, मैं इसमें पेंट कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको बिना पेंट किए छोड़ दूँगा ना तो इसमें रस्टिंग हो जाएगी, फिर बेकार ही हो जाएगा। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसको किसी सैंड पेपर से, यहाँ पर 400 ग्रिट का सैंड पेपर है, इससे इतना मैं इसको घिस लूँगा जितना इसमें जो रस्टिंग हो रही है ना ये निकाल लूँ, तो मैं इसको अच्छे से इसमें सैंडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितना ज़्यादा ये जंक लगा हुआ है, जो बैटरी का जो बैटरी वाटर था उस वजह से। तो मैं इसको घिस लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सैंड पेपर में कितना ज़्यादा येलोनेस है, इसका मतलब ये सारी इसमें रस्टिंग है जो इसमें अच्छे से डिजोल्व हो गई थी, और वो धीरे धीरे क्या होता ना, ये नीचे भी आप देख पा रहे होंगे जो मेटल होगा ना उसको खा रही होगी, तो उसको ऊपर अगर मैं सीधे पेंट कर देता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उसमें पेंटिंग का। तो इस वजह से पहले उसको अच्छे से घीस लेना है जितना भी है, फिर उसके बाद उसमें करना है पेंट, और उससे पहले उसको धो लेना है जितना भी है, वॉश कर लेना है, वॉश करने के बाद उसे किसी अच्छे साफ कपड़े से पोंछ लेना है, मतलब ऑयल नहीं होना चाहिए कपड़े में, कपड़े से पोंछ कर उसको सूखने देना है, सूख जाएगा फिर उसमें पेंट करना है। तो ये मैं अच्छे से सुखा लेता हूँ, जितना एरिया में जहाँ जहाँ तक कर सकता हूँ ना उतना एरिया में कर लूँगा यहाँ पर कवर, जहाँ जहाँ मेरे से हो पाएगा। तो अब यहाँ पर हमें पेंट करना है, देखिए सबसे बढ़िया रहता है यहाँ पर काला पेंट, उसमें आप बिना कुछ मिलाए एज इट इज़ कर दीजिए, वो एक अच्छा पेंट प्रोटेक्शन का काम भी कर सकता है, पेंट प्रोटेक्शन तो नहीं कह सकते यहाँ पर, गाड़ी की जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर सकता है, आप अंडर बॉडी इसको कर सकते हैं, ये अच्छा काम कर लेता है, इसमें आपको कुछ मिलाना नहीं होता, कुछ नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बॉडी के गाड़ी के बॉडी के कलर के साथ मिक्स करना, जैसे कि यहाँ पर तो सिल्वर कलर की गाड़ी उसके साथ मिक्स करना, तो अब एक चीज़ होती है ना, आप देखते होंगे गाड़ी की जो बाहर की बॉडी का कलर थोड़ा शाइनी होता है, अंदर का थोड़ा शाइनी नहीं होता, तो उसको आपको कैसे बनाना है, देखिए। तो अगर पेंट आप बाहर से नहीं लाना चाहते, सिंपल आप घर में कैसे कर सकते हैं, एक सिल्वर पेंट का डब्बा लाइए, एक लीजिए व्हाइट पेंट का डब्बा, व्हाइट पेंट के साथ मिक्स कर दीजिए सिल्वर को, जो सिल्वर की साइन होगी ना थोड़ा कम हो जाएगी, थोड़ा क्या काफ़ी कम हो जाएगी, और जो गाड़ी का जो बॉडी का कलर होता है ना जैसा कंपनी से आता है काफ़ी हद तक वैसा बन जाएगा, और धीरे धीरे जब उसमें गाड़ी चलती रहेगी कीचड़ और ये सब चीज़ें लगते रहेंगी तो वैसा ही हो जाता है, उस चीज़ का आप वो मत कीजिए। हाँ, स्टार्टिंग में आप देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा शाइनी रहता है क्योंकि नया कलर है ऑब्वियसली होगा,
लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ उसी तरीके से हो जाएगा। तो इसमें सारा मैं पेंट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेरे को कहाँ कहाँ पेंट करना है। और आप जो कलर देख रहे होंगे ना, मैंने बिल्कुल मैच कर लिया कैसा है, आप भी कर सकते हैं। और ये जो मेन जगह थी यहाँ पर हमको पेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी गाड़ी में भी अगर कहीं पर रस्टिंग है, गाड़ी के अंदर अंडर द हुड कहीं पर ही है, तो उसको आप पेंट कर लीजिए, खुद से ही कर लीजिए। और एक चीज़ और कह रहा हूँ, अगर आप उनमें से है ना जो ये काम नहीं करना चाहते तो वीडियो आपके काम का नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके का काम करते हैं, अपनी गाड़ी में खुद से काम करना चाहते हैं, थोड़े बहुत पैसे बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का। तो इसको पूरा देखिएगा, आपके काफ़ी पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा और आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस भी अच्छे से होगी। तो जहाँ जहाँ आप ब्रश डाल सकते हैं वहाँ वहाँ आपको पेंट कर लेना है। मैंने ऊपर की तरफ कर लिया, मुझे करना है नीचे की तरफ, क्योंकि मेन वेल्डिंग इधर ही हुई थी तो मैंने यहाँ भी पेंट कर लिया। आप देख पा रहे होंगे पहले और अब में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी उधर एक लेयर लगी हुई है रबर सीलेंट की, वो मैंने एज इट इज़ रहने दिए। बाकी यहाँ यहाँ मैंने पेंट कर लिया सारा। डबल कोट मैंने इसमें कर लिया था वाइट के साथ मिला के, क्योंकि वाइट तो गाढ़ा होता है, खाली सिल्वर करते हैं उसके हमें बहुत सारी लेयर्स करनी पड़ती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मुझे करना था वहाँ वहाँ मैंने कर लिया, यहाँ यहाँ मैंने कर लिया, और इसमें रबर सीलेंट मैंने लगा लिया ताकि वो एक पेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट करे, उसमें रस्टिंग ना हो, ठीक है। यहाँ तक सारा काम हो गया। उसके बाद जो बैटरी की ट्रे है वो भी मैंने लगा ली है, ठीक है। ध्यान दें इसमें कहीं रस्टिंग ना हो, अगर इसमें रस्टिंग है तो पेंट कर लीजिए। साथ में जो पीछे चारकोल कैनिस्टर है वो लगा लेना है। और यहाँ पर जो एसी का जो लाइन आप देख रहे हैं वो डिपेंड रहती है, या फिर जो टिके रहती है ना बैटरी की जो ट्रे होती है उस पर प्लास्टिक वाली, लेकिन उससे मैंने हटा दी क्योंकि उसको घीस दे रही, मैंने आपको बोला था, अभी और दिखा दूंगा कैसे वो कर रही है। बाकी चारकोल कैनिस्टर मैंने इसमें लगा लिया, सब कुछ अच्छे से फिक्स हो गया। ध्यान दीजिए चारकोल कैनिस्टर को आप ढंग से उसके लॉक्स पर बैठाइए, अदरवाइज जो गड्ढे में उसके नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं, मतलब गिरता नहीं है, पाइप से अटका हुआ रहता है, बट फिर भी ठीक है। और यहाँ पर बैटरी भी मैंने लगा लिया, सब कुछ अच्छे से फिक्स हो गया। बैटरी लगाने से बैटरी लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान ये देना है कि पहले आपको जो पॉजिटिव साइड है वहाँ के टर्मिनल लगाने हैं, फिर जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो लगाना, नहीं तो क्या होता है जब आप दोनों लगा लेते हैं ना, अगर क्या होता है अगर आप जो पॉजिटिव वाला है उसको बाद में लगाएं, नेगेटिव वाला पहले लगा दें, तो क्या होता है जब नेगेटिव वाला ऑलरेडी लगा रहेगा और आप पॉजिटिव वाले में इसको टाइट करेंगे, तो अगर आपका जो हाथ में जो भी होगा स्पैनर होगा कुछ होगा वो कहीं गाड़ी की बॉडी से टकराता तो वहाँ पर वो स्पार्किंग करेगा। तो इस वजह से पहले पॉजिटिव वाला टर्मिनल लगा लीजिए, देन बाद में ही नेगेटिव वाला टर्मिनल उसको लगाइए, ठीक है। तो ये सब मैंने आपके साथ शेयर करना था। और बाकी एप्रन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी आई होप मैंने इस वीडियो में अच्छे से कवर कर ली। आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब आपके काम की वीडियो थी और आई होप काम में आए भी, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।